पंजाब हुकूमत ने एडिशनल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को मेरिट की बुनियाद पर रखने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में लॉ अफसरान की सीटें 96 से कम करके 66 कर दी गई। ज़रा के मुताबिक एडवोकेट जनरल ऑफिस में नए लॉ अफसरान की तैनाती का फैसला 4 रुकनी कमेटी करेगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून और एडवोकेट जनरल शामिल होंगे। ज़रा के मुताबिक मेरिट पर पूरा न उतरने वाला अफसरान को फारिग किया जाएगा, जबकि मेरिट पर पूरा उतरने वाला लॉ अफसरान को काम जारी रखने की इजाज़त दी जाएगी। ज़रा का मजीद कहना है कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के लिए बतौर वकील होना और 20 केसेस के फैसले पेश करना, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए 30 केसेस में बतौर वकील पेश होकर फैसले पेश करना लाजिम करार दे दिया गया। ज़रा के मुताबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपनी 5 रिपोर्ट जजमेंट पेश करना होगी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के लिए 3 रिपोर्ट्स जजमेंट पेश करना होगी। इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होना लाजमी करार दिया गया है, जबकि हर 6 माह बाद लॉ अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले लॉ अफसरान ही काम जारी रख सकेंगे। मजीद खबरन ऐं तफसीलात लाए विजिट कयो असाजी वेबसाइट www.awaminewshd.com ऐं दिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।